मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि चूंकि इन लोगों की राजनीति इतने दिनों तक इसी पर चली थी, इनको ये लग रहा कि मेरे पास कोई दूसरा इशू नहीं है। ये एनआरसी को भी इसी टाइप का इशू बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत सारे और विषयों को धर्म के चश्मे से दिखा दिखा कर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। इनका निजी हित इसी में है, लेकिन देश का हित इसमें नहीं है। देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। मैं ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, 5 जजों की बेंच है, 1 से गलती होगी, 2 से गलती होगी, 1 दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, 9 साल से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। और 5 जजों के बेंचों ने सीरियसली होकर रात दिन एक करके इसको सुना है, सारे पक्षों को सुना, और सारे पक्ष संतुष्ट भी हैं। ये बयान पहले इन लोगों का सबका आ चुका है कि हम संतुष्ट हैं। तो जब आप संतुष्ट हैं, और ये भी बयान आपने दे दिया था कि जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार होगा, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहां जाना चाहते हैं? क्यों फंसाना चाह रहे हैं इस देश को? इस देश को कम से कम आम जनों को तो माफ कीजिए, इनकी समस्याओं पर तो आपने कभी राजनीति नहीं की। आपने कभी इनकी रोजी रोटी का, कभी इनके पढ़ाई लिखाई का, कभी इनके दवाई का, इनको मेन स्ट्रीम में लाने का आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। आपको धर्म, अब इन्होंने देखा कि मेरी राजनीति खतरे में पड़ रही है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें मुसलमानों से छुपाई है, वो धीरे धीरे आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जब चीफ जस्टिस पढ़ रहे थे तो उन्होंने 1991 का जो एक एक्ट आया था, जिस जो बिल आया था सदन में, उसका भी जिक्र किया और उस बिल को सख्ती से उसका पालन करने का भी हुक्म दिया कि सरकार सख्ती से इस बिल का भी पालन करेगी, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तथाकथित वो मुस्लिम लीडर जो इस तमाम लड़ाई को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने छुपा कर रखा मुसलमानों से और मुसलमानों को डरा कर रखा, भयभीत करके रखा कि और अगर ये छोड़ दोगे तो वो छोड़ दोगे तो वो, और पूरे भारत में से तमाम मस्जिदों पर इनके दावे हैं, ये तो कभी कहीं भी भगवान का नाम लेकर हमला कर सकते हैं। मैं कहता हूं कहीं कुछ नहीं होगा। भारत का हिंदू बहुत ही लिबरल है। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, भगवान के लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, धर्म की राजनीति पर विराम लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए और देश में सौहार्द का वातावरण बनाइए और नए राजनीति की शुरुआत कीजिए। देश में अब बहस 72 साल हो चुके हैं और हम बहस आज भी यही कर रहे हैं कि अयोध्या में जो है प्रभु राम का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। तो मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, यही बहस पूरे मतलब 100 साल आप करेंगे। भारत के बाद जो देश आजाद हुआ वो कई क्षेत्रों में हमसे आगे निकल गया। चाइना जो हमारा चुनौती है, उसने 5G को जो है क्या कहते हैं लॉन्च कर दिया और हमारा 4G अभी तक अटका हुआ है, ठीक से चल नहीं रहा, और हम धर्म की राजनीति में लगे हुए साहब। इसलिए धर्म की राजनीति को विराम लगाना है और सुप्रीम कोर्ट ने यह अवसर दे दिया है। अब अगर कोई भी मुस्लिम लीडरशिप इसको हवा देने की, बल देने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम नौजवानों से विशेषकर नई पीढ़ियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे लीडरों का बायकॉट करें, क्योंकि आपको भी IAS, IPS, PCS ये बनने हैं, आपको भी MP और MLA बनने हैं। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो जिस तरह से परंपरागत बाप दादा, परदादा, लकर दादा, छकर दादा से पोता तक एक ही 2, 4, 5 परिवार है पूरे भारत में मुसलमानों का, इन 5-6 परिवारों ने पूरे भारत के 20 करोड़ मुसलमानों पर के सर पर बैठकर राजनीति की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहला अवसर है कि इनको सर से उठाकर फेंका है, अब ये फिर वहीं लटकना चाह रहे हैं। भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इनको किनारे किया जाए, इस ट्रेडिशनल लीडरशिप को हाशिए पर डालकर नए लीडरशिप को मार्केट में लाइए, जो आपके सभी समस्याओं पर जिसकी नजर हो, जो आपके दुख को, दर्द को समझता हो। सिर्फ इमोशन से देश नहीं चलेगा, भावनाओं से आप देश चलाना चाहते हैं और समस्याओं को आप पीछे रखना चाहते हैं, नहीं, समस्या पर बात कीजिए, भावनात्मक मुद्दों को आप आगे मत लाइए। ये मेरा असल संदेश है और यही मेरा आग्रह है, विशेषकर जो मुसलमानों का मैंने नया न्यू जनरेशन जो मुसलमानों नई पीढ़ी है, उनसे मैं कहता हूं कि मेरे नौजवानों गंभीर हो जाओ, भावनाओं में मत जाओ, क्योंकि ये जो लीडर हैं तुम्हारे, ये भावनात्मक मुद्दे फिर उठाएंगे और तुम्हारी भावनाओं से खेलकर स्वयं भी बनेंगे, अपने बेटे को भी बनाएंगे, अपने बेटे को अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ाकर और लाकर यहां तुम्हारे ऊपर थोपेंगे और उसको MP और MLA बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा भविष्य का क्या होगा? हम उन मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं जो नदी के किनारे, जो बांध के किनारे, जो समंदर के किनारे कोई मछली मार रहा, कोई मुर्गा मंडा बेच रहा, कोई जूता चप्पल बना रहा, कोई जो है पंचर लगा रहा है, इस तरह से जो हाशिए पर मुसलमान है, जो झुग्गियों में रह रहा है,
आज आप दिल्ली के अंदर झुग्गियों का आप सर्वे कर लें, आप मीडिया पर्सन है, सर्वे करें, कभी आप उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं, आप देखेंगे कि झुग्गी में रहने वालों में अधिकांश लोग मुसलमान मिलेंगे आपको, झुग्गियों में रह रहे हैं, गांव में झोपड़ियों में रह रहे हैं। ये तो सरकार जो है इंदिरा आवास के नाम पर कुछ लोगों को छत दे दी है, वरना आज भी मुसलमानों की बड़ी आबादी झोपड़पट्टी में रह रही है, झुग्गियों में रह रही, कच्चे मकानों में रह रही, शौचालय की व्यवस्था नहीं, खेतों में शौचालय करने जाते हैं लोग, जलील। और आप ये हवाई जहाज पे उड़ने वाले और एयर कंडीशन में रहने वाले, आपकी नजर कभी है ही नहीं मुसलमानों की वास्तविक स्थिति पर। आप केवल देश के अंदर जो है धार्मिक उन्माद पैदा करके और धर्म के नाम पर देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिन्ना हमारे आइडियल नहीं है, ये मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले आइडियल है मुसलमानों के, पॉलिटिकल आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ। और मौलाना आजाद और गांधी के रास्ते पर आपको चलना होगा। अगर आपने जिन्ना का रास्ता अपनाया तो देश बहुत गलत रास्ते पर चला जाएगा और इसका भुक्तभोगी सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमान होगा। इसलिए गरीब मुसलमानों से, गरीब नौजवानों से मैं कहता हूं कि ऐसे लीडरशिप को बिल्कुल किनारे डालिए और मेन स्ट्रीम में आइए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कीजिए। आप पिछलग्गू मत बनिए, आप ऐसे लोगों की जय जयकारा मत कीजिए जो आपके भावनाओं का सौदा करते हैं। और ये जो वर्डिक आया, जब सौदे की बात आ गई तो मैं आज कह दूं और भारत के पूरे मुसलमानों को ये संदेश जाना चाहिए कि ये जो कुछ निर्णय आया है बंद कमरे में इनकी सहमति से आया है, केवल मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि मुसलमान सड़क पर आ जाए। ये मुसलमानों को सड़क पर देखना चाहते हैं, हम मुसलमानों को सदन में देखना चाहते हैं, ये मुसलमानों को झुग्गी में देखना चाहते हैं, हम मुसलमानों को पक्के मकानों में देखना चाहते हैं, ये मुसलमानों को कचरा चुनते हुए देखना चाहते हैं, और हम मुसलमानों को चाहते हैं कि वो ISO, IPSO, IRSO, IFSO इस तरह की डिग्रियां लेकर पूरे समाज की और देश की सेवा कर रहा हो, यह हमारा सपना है। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, आप इस सपने की ओर बढ़ो, आप ऐसे रास्ते को मत पकड़ो कि मैं भी कचरा चुनूं और मेरा बेटा भी कचरा चुने। हम इस रास्ते से हटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए। सर, जैसे कि कुछ मुस्लिम पक्षों ने और ओवैसी ने भी यही बात कही कि जो जमीन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5 एकड़ जमीन दी गई है तो हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, तो इसे भीख क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है, नहीं चाहिए तो मत चाहिए, सरकार नहीं देगी, ये और अच्छी बात है, आप मत लीजिए सरकार से, आप छोड़ दीजिए। इससे पहले हम तो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का शुरू से ये स्टैंड था कि ये लड़ाई लड़नी ही नहीं थी, इस लड़ाई से हमें पीछे हट जाना था। और जब हम पीछे हटते तब भी हमने मस्जिद की बात नहीं की, बदले में हम मस्जिद नहीं लेना चाहते, वो मेरा भी स्टैंड है कि नहीं लेना चाहते, बदले में हम कुछ भी नहीं लेना चाहते। हम तो इस मुल्क में अमन, अमान, चैन, सुकून, एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा चाहते हैं, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम पूरे समाज की तरक्की चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सब आगे बढ़े, देश जो है विश्व गुरु बने, हम विकसित राष्ट्रों में भारत का शुमार, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन इन लोग मस्जिद नहीं लेंगे तो मंदिर नहीं बनाने देंगे, तो ये नहीं कर देंगे, तो वो नहीं। अरे चैप्टर क्लोज कीजिए, ठीक है आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मस्जिद बहुत, अयोध्या में गया हूं 17-18 दिनों तक रहा हूं, इतनी मस्जिदें हैं कि वहां की आबादी अभी 100 साल तक मस्जिद नहीं बनाएगी अयोध्या की, तो वो नमाज पढ़ती रहेगी। और सोने की मस्जिद भी अगर अयोध्या में बना दी जाती तो भारत के आम मुसलमानों को क्या मिलता, ये प्रश्न मेरा प्रश्नल्ला बोर्ड और ओवैसी साहब से है, वो किसी संबोधन में बताएं कि सोने की मस्जिद अगर अयोध्या में बना दी जाती तो आम गरीब मुसलमानों को क्या मिलता, और अगर मस्जिद नहीं बनी तो क्या नुकसान हो गया। इसलिए इसको इस हमेशा धर्म के चश्मे से देखते देखते ये मुसलमान को इमोशनल बना बनाकर उसका ये भावनात्मक दोहन कर रहे हैं और उसी पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। ऐसे राजनेताओं का बायकॉट होना जरूरी है इस मुल्क में, तभी ये मुल्क सही पटरी पर चल पाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीनों के अंदर लॉ बना देनी चाहिए और भारत केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी अयोध्या में राम मंदिर बनवाना चाहिए, तो सर जैसे ही राम मंदिर बनता है तो आप उसे किस नजर से देख रहे हो और कब तक जाना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, मैंने बधाई पहले दी है, शायद आपके चैनल पर मैंने कहा था और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि हमको पीछे हट जाना चाहिए था, हम नहीं हटे, यह हमारा दुर्भाग्य रहा, हमारे नेतृत्व का दुर्भाग्य रहा, हम लोग तो चाह ही रहे थे, बल्कि उसके लिए कई गालियां, कई थ्रेटिंग हमें मिली, मैं बहुत गालियां भी सुना हूं मैं कि मस्जिद तुम्हारे बाप का है क्या, उसके बाप का क्या, मैं पूछता हूं कि ओवैसी के बाप का है क्या, जब मेरे बाप का नहीं है तो मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड के बाप का है क्या? पूरे भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का 15 करोड़ हम गरीब हैं, हम गरीब की बात कर रहे हैं तो हमारे बाप का नहीं है, और तुम मुट्ठी भर 4-5 परिवार के लोग बात कर रहे हो तो तुम्हारे बाप का है क्या?
मस्जिद खुदा का घर है, ना हमारे बाप का है ना तुम्हारे बाप का है, खुदा का घर है। तो इस्लामिक दृष्टिकोण से उसकी लड़ाई लड़ने का हमको अधिकार ही नहीं था, वो तो खुदा समझता, जो जैसा करेगा। खुदा सर्वशक्तिमान है, ईश्वर। तो अगर हमारी आस्था की ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ईश्वर का घर है, वो स्वयं अपना कर लेगा जो करना था। आप क्यों लड़ने गए? और आप जब लड़ने गए तो आपने ये क्यों कहा कि तुम्हारे बाप का नहीं और मेरे बाप का है? ये राइट आपको किसने दे दिया? जरा हमको साइन दिखाइए, कितने करोड़ मुसलमानों ने साइन किया? ट्रिपल तलाक पर तो इन्होंने कई करोड़ साइन कराए थे। क्या कर लिया सरकार का? बिल तो आ गए। कहीं आज तक ये लड़ाई जीत नहीं पाए। ट्रिपल तलाक पर हारे, बाबरी मस्जिद पर हारे, ये अलीगढ़ और जामिया के माने माइनॉरिटी कैरेक्टर पर हारे। जितनी लड़ाई इन्होंने कॉमनल की, सारी लड़ाई ये हारे, फिर भी आज बोल रहे हैं। इनको तो शर्म से किनारे हो जाना चाहिए, मुंह छुपा लेना चाहिए था। किस मुंह से ये फिर उसी तरह की धर्म की बात कर रहे हैं? कम से कम अब और राजनीति को सही दिशा दिया जाए और इस तरह की बातें न की जाए कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। क्योंकि अब हिंदू पक्ष ने बड़े कलेजे के साथ बधाई दी है और ये कहा है कि हम, हालांकि मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा है जो इंटरनल ये मानता है कि शायद मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप दिल को बड़ा कीजिए और भावनाओं में मत बहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दूरदृष्टि से काम लिया, उसे पता था कि इसका स्थायी समाधान यही है। इसका स्थायी समाधान कोई और दूसरा था ही नहीं। आपके आपको वहां पर अगर जगह दे दी भी जाती, भारत के मुसलमान उस जगह का क्या करते? जहां पूरे भारत के हिंदुओं का जमावड़ा होना है, वो उनके आराध्य हैं, वहां बड़े बड़े मेले लगते हैं, पंचकोसी परिक्रमा, 20 कोसी परिक्रमा और कई अवसरों पर अभी वो चलेगा पूर्णिमा और वो सब कुछ, वहां हजारों लाखों हिंदुओं की भीड़ जमा होती है। और उस राम मंदिर के बराबर में आप मस्जिद बनवाना चाह रहे हैं, उस मस्जिद में तो यूं ही उसकी बेहुरमती हो जाती अगर बन भी जाता तो। इसलिए अच्छा फैसला लिया है, दूरदृष्टि से काम लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं से भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये समझें कि जो अल्लाह करता है वो अच्छा करता है, ये सोचकर आप ये समझें। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये फैसला तो ऊपर वाले ने दिया है। और सच्ची बात मैं कह रहा हूं, ऊपर वाले ने दिया है, एक अस्थाई समाधान दिया है, इसको हंसकर स्वीकार किया जाए। और मैं पूरे देश के राम भक्तों को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उन्हें आराध्य के रूप में जो उनकी बहु प्रतीक्षित इच्छाएं थी वो आज पूरी हुई है। और दिल की गहराइयों से मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ, वो बड़े भाई हमारे हैं, उनके आस्था का केंद्र था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि अब राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, तो अब इसी को लेकर हम बात करेंगे हाफिज गुलाम सरवर सर से। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले समस्त देशवासियों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध नौजवान किसान छात्र सबों से, कि इस ऐतिहासिक फैसले का आप अक्षरशः पालन करें, स्वागत करें। ये इतिहास का एक ऐसा मतलब क्षण है जिससे नए दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। 70 सालों से हमारा देश इसी कारण कॉम्युनल पॉलिटिक्स में उलझा हुआ था। मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने इसको मतलब कॉम्युनल इशू बनाया, वो उनकी छटपटाहट आज भी जस की तस बरकरार है। जबकि पूरा देश ये चाहता है कि हम कॉमनल पॉलिटिक्स से हटकर कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ें। देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें उसका सामना है, मुकाबला करना है, और मुकाबला कभी भी सब मिलकर ही कर सकते हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए ये जरूरी था कि हम लोग कॉमनल पॉलिटिक्स से अपना ध्यान हटाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही दूरदृष्टि का परिचय देते हुए जो वर्डिक्ट दिया है, जो निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं और देशवासियों से भी कहते हैं कि आप हंसकर स्वागत करें और एक कदम आगे बढ़ते हुए सौहार्द का परिचय देने के लिए अपने हिंदू भाइयों को, मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, आप बधाई दें अपने मोहल्ले में, जो पूरे भारत में जहां कहीं भी हैं वहां जाकर बधाई दें अपने अपने स्थान पर, बल्कि मिठाई खिलाएं और ऐसा माहौल बनाएं कि ये मैसेज, ये संदेश पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वर्डिक्ट पर थी। लेकिन प्रमुख बात जो है असल, कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई को, जो कि लड़ाई थी ही नहीं, जिसको सड़क पर लाना ही नहीं था, राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर एक दूसरे की खून को सड़कों पर बहाया गया और हमारे लीडरों ने
खूब इस हंस हंस कर इसका मजा लिया और इसके एवज में यानी लाशों पर पांव रख कर वो सदन में जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज जो है उनकी राजनीतिक हत्या हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि बहुत ही ऐतिहासिक मतलब इस निर्णय से कई संदेश गए। एक ये आप देखिए कि उन्होंने निर्मोही अखाड़े को किनारे किया, उन्होंने उन तमाम लोगों को किनारे कर दिया और कहा कि नहीं ट्रस्ट बनेगा, यानी हिंदुओं के बीच भी इन फ्यूचर भविष्य में कोई विवाद न हो इसकी भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की। और अगर इस निर्णय में आधा इधर दे दो और आधा इधर दो कर दिया जाता जैसा कि कुछ लोग समझ रहे थे या चाह रहे थे तो ये लड़ाई फिर जस की तस बरकरार रह जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है कि उसने बहुत ही दूरदृष्टि से उन पांचों जजों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने, और इसमें कोई भेदभाव नहीं, मैं इसको अभी डिफाइन कर रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो पांचों जजों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया कि जो आस्था से जुड़ा मामला था वो आस्था वालों को दे दिया और मुसलमानों को ये कहा कि मैं आपको अपनी तरफ से सलाह देता हूं और सरकार से मैं कहता हूं कि 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जाए और एक भव्य मस्जिद का भी निर्माण हो। 5 एकड़ में एक भव्य ही मस्जिद बनेगा, कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं बनेगी। 2011 में अयोध्या का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट आया था और वो बड़े भाइयों के आस्था के केंद्र था, तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका रैपिड हेयरिंग किया और सुना और फैसला भी दे दिया। 2004 में एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने डाला था, PIL नंबर 180/2004। वो मुकदमा जो था वो जो मुसलमान हाशिए पर हैं, तमाम भारत की सरकारों ने जितनी भी कमेटियां बनाई और उनकी जो भी रिपोर्टें आई उन तमाम रिपोर्टों ने ये साबित किया कि भारत का मुसलमान दलित से पीछे, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, चाहे सत्तर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे कुंड कमीशन की सारी रिपोर्टें। तो जब पीछे तो हम लोगों ने उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला कि भाई इनको एजुकेशन में, इनको क्या कहते हैं नौकरियों में, इनको हेल्थ में, मैंने एजुकेशनली सोशली पॉलिटिकली ये किसी तरह से स्ट्रांग हो ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ जाएं। और ये देश के हित में है, जब तक देश की पूरी आबादी आगे नहीं बढ़ेगी तो देश को आगे नहीं कहा जा सकता। घर का एक भाई अगर अरबपति हो जाए और एक भाई अगर झोपड़ी में हो तो वो घर कभी भी संपन्न परिवार नहीं कहा जाएगा, उसको एक व्यक्ति का नाम लिया जा सकता। तो देश में सभी लोग संपन्न हो और एक पूर्ण रूप से साक्षर हो जाए देश, इसके लिए भी जरूरी है कि साक्षरता दर बढ़ाना है तो ये 20% की आबादी को छोड़कर नहीं बढ़ा सकते आप, तो इसको भी साथ लेकर चलना, ये बड़े भाइयों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट से मेरी विनती है, जो अब आने वाले जस्टिस हैं इनके बाद 2 दिनों के बाद, तो उनसे मेरी विनती है कि हमारे इस मुकदमे की भी रैपिड हेयरिंग कर दें, इस पर भी निर्णय दे दें और हम लोग भी एक जश्न मनाएं कि भाई हमारे भी रोजी रोटी का सरकार ने और कोर्ट ने इंतजाम कर दिया है, और हम लोग मुसलमानों के बीच जाकर कहें कि तुम्हें भी तोहफे में एक बड़ी चीज मिली है, मस्जिद का जो मसला है। और एक बात और कह दूं कि जिस तरह से ट्रस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, सरकार को कहा कि ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्टी नियुक्त किया जाए, पुजारी नियुक्त किया जाए, अगर 5 एकड़ जमीन दिया जाता है तो उसमें भी सरकार के हस्तक्षेप से उसमें भी ट्रस्ट बने और उसकी भी ट्रस्टी नियुक्त की जाए, ऐसा ना हो कि उसमें भी कोई एक तंजीम जो है हावी हो जाए और वो भी एक सेंटर बन जाए पैसा कमाने का, ये भी नहीं हो, ये भी मेरी गुजारिश है। अयोध्या में भव्य मंदिर बनने वाला है, आप क्या सोचते हो उसके लिए कितना बड़ा भव्य मंदिर होगा? और आप वो तो नक्शा पहले से तैयार था और उसके सामग्री भी सारी तैयार है, वो जो कार्यशाला वहाँ है वहाँ तो सब कुछ तैयार पहले से, और हम लोग जान रहे थे, हम लोग अपने समाज को समझा रहे थे, इसीलिए आप देखेंगे कोई रिएक्शन कहीं से, आप अभी तक कोई सूचना आपने सुनी है क्या? कहीं से नहीं आएगा, ये चिल्लाते रहेंगे टीवी पर लेकिन इनका अभी कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग बहुत गांव में जाकर हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने इंटीरियर में देहात में जाकर समझाया लोगों को कि वहां तो सब कुछ तैयार है और जहां जिसकी जिसका कब्जा है उसमें, देखिए 1949 में जब मूर्ति उसके अंदर पाई गई और डिस्प्यूट माना गया और ये हुआ कि रामलला प्रकट हुए, तो अगर उसी समय सरकार मूर्ति निकालकर ताला लगाती तो कलेम मुस्लिम पक्ष को जाता, लेकिन मूर्ति वही रही और ताला लगा तो वो तो ऐसे ही संपत्ति हो गई हिंदू पक्षों की, लीगली बात मैं कर रहा हूं, वैसी साहब बहुत लीगल एक्सपर्ट हैं। फिर 1986 में ताला खुला, तो पूजा के लिए खुला, नमाज के लिए नहीं खुला,
ये बात भारत के मुसलमानों को इन लोग बता नहीं रहे डर से, क्योंकि ताला भी इनकी सहमति से खुला था। लेकिन अब इन लोगों की पॉलिटिक्स से मुझे नहीं लेना देना। मैं मुस्लिम समाज को केवल ये बताना चाहता हूँ कि आप इन चक्करों में न पड़ो, कोई कॉमनल और क्या कहते हैं सेकुलर, ये सेकुलर और कॉमनल एक्सपोज हो चुका है। और जो ताला खुला था 1986 में, किसी मुस्लिम लीडर का ऑन रिकॉर्ड ये दिखाइए कि वो सड़क पर उतरा था क्या, उसने हंगामा किया था क्या, उसने कोई प्रोटेस्ट किया था क्या, क्यों नहीं किया, ये प्रश्न उठता है। जब ताला खुलने का मतलब है पूजा के लिए, जब ताला खोल दिया गया तो पोजीशन समझिए दे दिया गया साहब। अगर आपके घर में ताला लगा हुआ है किसी का और ताला खोल के हम आपको कह रहे हैं कि आप जा सकते हो और हम नहीं जा सकते, तो आपका हो गया मकान, लीगली यही प्रोसेस है। तो वो तो हिंदू पक्षों को, राम भक्तों को दे दिया गया था जब 1986 में ही। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर था, जो एक लगता था उनको, राम भक्तों को लगता था कि ये भी नहीं रहना चाहिए, जब हम मेरी चीज है और सब कुछ अब हमारे हवाले हो चुका, हम पूजा कर रहे हैं, तो ये जो मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर है ये भी नहीं रहना चाहिए। तो वो भी चाह रहे थे कि अदालत से हो डिमोलिशन, तो अदालत तो डिमोलिश कर नहीं सकती थी, तो उसको इन लोगों ने अटैक करके किया, ठीक है। और आप ये देखें कि उसकी पैरवी इन लोगों ने नहीं की। आज इनको अगर लड़ना ही था तो पॉइंट टू पॉइंट इनको लड़ना था, पहले ताला खोलने का इनको विरोध करना था, फिर डेमोलेशन में जो लोग एक्यूज थे उनके खिलाफ इनको लड़ाई लड़नी थी, तो राजीव धवन का इस्तेमाल इनको वहां करना था, तो इन्होंने सारा इस्तेमाल किया कहां, यहां। इसलिए यहां किया कि ये जान रहे थे कि मैं हारी हुई लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन मुसलमानों से चंदा और सहानुभूति लेकर हमें अपना काम करना है। वो तो ये कर चुके, इनको जो कुछ लेना था ले चुके, जितना खून चूसना था चूस चुके, जो पद प्रतिष्ठा लेनी थी ले चुके। अब प्रतिष्ठा नाम का जो शब्द है वो इनके शब्दकोश से निकलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम लोग मुसलमानों से कनेक्टेड हैं, जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इनके विरुद्ध आ रही हैं, और इनको भी पता है चूंकि ये भी कनेक्टेड हैं। अब इनको लग रहा है कि क्या करें, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हो रहा है। ये जो कह रहे हैं कि नहीं गलत हुआ, ना इंसाफी हुई, अरे ये सब कुछ पहले से अंडरस्टूड था, ये आज अचानक फैसला नहीं हो गया, एक दिन में चीफ जस्टिस नहीं, इस दीपक मिश्रा जी के समय में फैसला आना था, रोका गया, बातें चल रही थी। हम लोग अब भारत के लोग मूर्ख नहीं बैठे हुए हैं, चारों तरफ हम लोग की नजर थी क्या क्या हो रहा। तो आप देखें संघ प्रमुख से अरशद मदनी साहब की मुलाकात, मौलाना महमूद मदनी साहब की अमित शाह जी से मुलाकात, गृह मंत्री जी से, ये सिलसिला एक दिनों का नहीं है, एक प्रोसेस था जिसको पूरा किया गया। और तमाम प्रोसेस को पूरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट, जब तसल्ली हो गई सुप्रीम कोर्ट को, तब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्णय सुनाया है। हालांकि रात जब मुझे सूचना मिली तो मैंने एक कमेंट फेसबुक पर किया कि रंजन गगोई जी, दो दिन आपको और रुक जाते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि कल ईद मिलादुन नबी है। हमें यह भय है कि कहीं मुझे मंदिर के पक्ष में फैसला जाने पर कोई डर नहीं था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो मन बनाए हुआ था कि मुझे सड़क पर नहीं उतरना। मुझे यह भय था कि रंजन गगोई जी के विषय में कुछ ऐसा कहा जाता है, वो बार बार बयान दे रहे थे कि नहीं टाइटल सूट होगा और कोई आस्था को हम नहीं देखेंगे और ये वो, तो हमें लग रहा था अगर इस पक्ष में निर्णय आएगा और ईद मिलादुन नबी में मुसलमान जुलूस निकालता है तो हमारे हिंदू भाई सोचेंगे कहीं विजय जुलूस तो नहीं निकाल रहा, तो पूरे देश में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो लेकिन चूंकि निर्णय ऐसा आना था इसलिए गगोई जी ने जो टाइमिंग चुना है वो सब ओके है, कहीं कोई अब परेशानी नहीं है, पूरा देश इनके साथ है। और कल त्योहार भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद साहब का कल बर्थडे है, जन्मदिन है, ईद मिलादुन नबी है। मैं आप पूरे देश को बधाई दे रहा हूं, आपको भी बधाई दे रहा हूं, और पूरे देश के बड़े भाइयों से, हिंदू भाइयों से विनती करता हूं कि कल हमारे इस जुलूस को अपने स्थानीय स्तर पर सभी जगह आप लीड करें, आप उनके साथ सहयोग करें और उनको बेहतरीन से सेलिब्रेट करने दें, उनको कहीं ऐसा महसूस होने नहीं दें कि देश में कोई मतलब ऐसी स्थिति बन रही, इसका कहीं से मैसेज जाने नहीं दें, ताकि देश में एक इतिहास जो लिखा जा रहा है ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा इंशाल्लाह। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाईचारा और अखंडता को बना जी, मोदी साहब ने आज ये भी कह दिया है कि रामवाद और रहीमवाद, राम भक्त और रहीम भक्त से ज्यादा भारत भक्त भी बनना है। तो आज ये समय आ गया है कि हमें देशभक्ति का प्रमाण किसी को दिखाना नहीं है, बल्कि स्वयं अपने बॉडी लैंग्वेज से ये साबित करना है।